पाली में शराब ठेके से लूट और एटीएम लूटने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पाली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाली के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस गिरोह ने नागौर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और बीकानेर में कई वारदातों को अंजाम दिया। इस गिरोह में राजस्थान और हरियाणा के अभियुक्त शामिल हैं। अपना एटीएम मुझे दे दो, मैं निकलवा देता हूँ। उस बहाने से ये लोग एक मशीन रखते थे अपने पास और उस मशीन में ये उस एटीएम को क्लोन कर लेते थे, जिससे उसका पिन और वो डिटेल उनके पास आ जाती थी। उसके बाद, उसके जाने के बाद, ये उस क्लोन्ड एटीएम को यूज़ करके और उसके खाते से पैसे निकाल रहे थे। ऐसी निरंतर बहुत सी वारदातें हुई और एक वारदात जो सदर थाने में दर्ज हुई, उसमें हमने सीओ सदर विक्रम सिंह भाटी और एसएचओ सदर सुरेश और जो हमारी साइबर सेल और थाने की टीम है, स्पेशल टीम, उसको जब हमने निकाला तो इसमें हमने इस गैंग को, हम इसको गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये जो लोग हैं, ये बेसिकली हरियाणा जिले के रहने वाले। अभी इसमें हमने ओमपाल पुत्र तेलुराम, निवासी खेड़ी नारनौद, यानी कि हांसी तहसील हिसार,